बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ जिना टर्मिनल ग्राउंड के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर बारिशों के इंतज़ाम क्या चल रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पर मुकम्मल रेस्क्यू टीम का अमला यहाँ पर मौजूद है। ये जो कि एरिया जो पूरा जो आता है मली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये एरिया, तो यहाँ पर मशीनें भी मौजूद हैं और अमला भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें यहाँ पर, ये देखें सामने एक एक्सीवेटर मशीन मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर ये मुकम्मल ये यहाँ से जीना टर्मिनल ग्राउंड है, ये पूरा जीना टर्मिनल ग्राउंड है। और इसके साथ एयरपोर्ट वाला जो रास्ता है वो रोड है, वहाँ से एयरपोर्ट वाले रास्ते से यहाँ पर आया जा रहा है। और जबकि नाले पर जहाँ जहाँ से सुराख किया गया है वहाँ पर भी आपको मैं दिखाता हूँ इस वक्त जो कि ये देखें यहाँ पर एक्सीवेटर मशीन एक यहाँ पर खड़ी करी गई है ताकि बारिशों में इंतजाम जो हैं यहाँ कर वो बड़े टाइट किस्म के किए गए हैं, क्योंकि यहाँ का जो सिलसिला है बारिशों के दौरान ये मेन रोड कहलाता है जीना टर्मिनल का। यानी कि ये जो रोड है ये सीधा यहाँ से आपको गाड़ियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, ये पूरा एयरपोर्ट वाला रोड है। और ये पूरा यहाँ पर जो कि मुकम्मल रेस्क्यू टीम का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। और दरअसल मैं कोशिश करूँगा रेस्क्यू अमले की टीम से यहाँ पे दिखा सकूँ मैं आपको सही तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल रेस्क्यू टीम का अमला यहाँ पर मौजूद है, किसी किस्म के भी कोई बारिशी के सूरत में यहाँ पर, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 दिन का बारिशों का जो सिलसिला है वो कराची के अंदर रहेगा। तो वफ़े से मानसून बारिशों का सिलसिला कराची के अंदर, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो सिलसिले हैं बारिश के वो वक्तन वक्तन हो रहे हैं। आप मेरा कैमरे के आगे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अभी इस वक्त मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। और जबकि यहाँ पर जगह जगह पर जो लाइनें की जो डैमेज का सिलसिला है उसको, यानी कि वहाँ पर किसी किस्म का चौक ना हो, वहाँ पर किसी किस्म के कोई मुश्किल का सामना ना हो, उसी के बाइस यहाँ पर एक्सीवेटर मशीन भी तबके 2 मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पर ये अमला यहाँ पर मौजूद है मुकम्मल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अमला पूरा मौजूद है। और उसके साथ मशीनें भी यहाँ पर लगाई गई हुई हैं। और इससे पहले हमने जो देखा पीछे की साइड पर जो पिछले टाइम पहले जो कि नाले बनाने का जो सिलसिला था वहाँ पर मुकम्मल किया गया था, जो कि अब वहाँ पर जो बारिशों के दौरान पानी भरने का जो सिलसिला है वो वहाँ पर हमने ऐसा किसी किस्म का कुछ नहीं देखा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी तरक्याती काम का अमल जो कि आप वाजे नज़र आ रहा होगा बारिशों के सिलसिले से निपटने के लिए, जबकि एक मशीन भी वो सामने आपको वाजे नज़र आ रही होगी। ये आप देख सकते हैं कि अभी मैं इस टाइम पर यहाँ से गुजर रहा था और जगह जगह पर यहाँ पर जो कि लाइनें भी जो सेवरेज की लाइनें हैं वो भी डाली गई हैं। और क्योंकि अभी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है तो कुछ जगह पर जो काम है उसको मुकम्मल नहीं कर सके हैं, लेकिन पानी जो कि बारिशों के दौरान जो पानी का सिलसिला है उसको रवा दवा रखने के लिए यहाँ पर मुकम्मल टीम यहाँ पर मौजूद है। अभी आप ये सामने बैनर भी आप लगा हुआ देख रहे होंगे कि ये नाले की सफाई के लिए यहाँ पर बैनर लगाया गया है। और ये देखें ये लोग यहाँ पे तैयार हैं। भाई कैसे हैं, ठीक है? और बारिश से निपटने के लिए मशीनें बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल फिट है, तैयार है कि बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक्सीवेटर मशीन भी यहाँ पर लगी हुई है, ये देखें एक्सीवेटर मशीन लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और उसके साथ मुकम्मल अमला जो कि यहाँ पर इस वक्त काम करते हुए नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल अमला जो कि यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहा है। और ये कि एक दो नहीं, काफ़ी बड़ी तादाद पर यहाँ पर मौजूद है। और जबकि यहाँ पर जो कि मेन ये चौक है जहाँ से चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, और ये टर्मिनल का ब्रिज भी यहाँ पर आपको वाजे नज़र आएगा। यहाँ पर अक्सर हमें ट्रैफिक देखने को मिलता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जो अब बारिशों के सिलसिले में यहाँ पर ट्रैफिक का कोई ऐसा इशू नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद पर लोग आ रहे हैं और ये यहाँ के जो नाले के मसले मसाइल हैं उस पर जायज़ा लेने के लिए।
ऑनलाइन ट्रेन डलवा रहे हैं, जो पिछले साल हमें एक्सपीरियंस हुआ था तो हमने ये शेयर किया था जवाब साहब से, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने एहकाम दिए कि जी यहाँ पर रेंट ट्रेन बनाई है, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ हमने ट्रैवल डाइवर्ट हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की शिकायत थी। वैसे ओवरऑल पानी क्लियर था, कंट्रोल था, अभी भी कल रात भी जैसे आपने देखा डी सी साहब भी थे, हम लोग मौजूद थे, अभी भी डी सी साहब भी राउंड करके गए मौजूद हैं, और सभी महसूस आप देख रहे हैं कि पानी चल रहा है और कहीं भी कोई ट्रैफिक में तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और सब सब मेरे डी एम सी मरीज के लिए तमाम और वाटर बोर्ड वाले भी सारे ड्रेस की टीम हमारे साथ मौजूद है, सब लोग हमारे साथ डाउन कर रहे हैं। टी एम सी की मशीनरी ऑलरेडी डिप्लॉयड है, लेकिन अभी तक हमें उसकी रोड नहीं कर रही है क्योंकि इतना पानी जमा था। चलिए जो आपके बैकग्राउंड में मशीनरी खड़ी हुई है और आप बात कर रहे हैं कि बारिश एक्सपेक्टेड थी वो गुजर गई, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो अभी मैनुअल लेबर से ही हमारा काम चल रहा है, लेकिन मशीनरी हमने बहरहाल किसी भी नागानी की वजह से यहाँ खड़ी रखी हुई है। रोकना एक तरबियती प्रोग्राम हुआ था, तरबियती मशक हुई थी, जिसमें ये ऐलान है कि अगर बारिश होती है तो हम अपनी एक मुख्य एक्सरसाइज करें कि हमारे पास क्या मशीनरी अवेलेबल है, और उसमें हमने ये कोशिश की थी कि हमारा अगर 100 मिलीमीटर तक बारिश होती है तो हम उसको कवर कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में डी सी साहब की निगरानी में यहाँ पे पूरी टीमें आई थी, जैसे पी डी एम ए कंपाउंड भी आए थे, वाटर बोर्ड की टीमें थी, के एम सी से हमारे मदर साहब आए हुए थे और हमारे डी एम सी के पूरा अपना मौजूद था, और जो ट्रेनिंग दी थी हमारे स्टाफ को फौजी वहाँ पे मरीज कैंप के अंदर मशीन ऑपरेटर्स को, उनको सबको यहाँ पर चेक किया गया था कि वो इस काबिल हैं कि यहाँ पर बारिश की जरूरत में वो सूरतहाल को निपटा सकें, तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही थी और उसको डी सी साहब ने सुनवा। डिप्टी कमिश्नर मलिक और आपने मिलकर एक ज्वाइंट विजिट किया था और एक आपने ट्रेन सिस्टम की बात की, वो ट्रेन सिस्टम आपने डाल तो दिया है, क्या वो कारामद है? जी अभी तक तो कारामद चल रहा है, अभी हालांकि मतलब तामीराती मराइल में, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया कल रात को भी और आज भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये पूरा बन जाएगा तो उसके बाद तो इंशाल्लाह हमें यहाँ मशीनरी की डिप्लॉयमेंट की भी मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं है। ऊपर से जो है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और हमारे जो है एमडी साहब रोहित खन्ना साहब, उनका ये था कि हमारी जो आम है कराची गाँव है उनको जो है थोड़ा सा जैसे बारिश में तकलीफ या गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, या जो हमारे आम दर्शन का मसला होता है, तो इसलिए री वाटरिंग की जाती है कि जैसे आवाम के जो मसाइल हैं या तकलीफ है वो दूर हो जाए, स्पेशली इसी के लिए जो है हमें जो है ऊपर से इंस्ट्रक्शन होती हैं और उस पर हम अमल करते हैं। थैंक यू। मलिक डिस्ट्रिक्ट के जो मुकम्मल इंतजाम हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अभी जो यहाँ के मुकम्मल आप पीछे बैक साइड पर भी देख रहे होंगे, और यहाँ पर जितने भी बारिश के हवाले से जो सूरत हाल है वो यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो कुछ रोज़ कवल कल जो यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम का सिलसिला पेश आया था, जो कि जिसके बाइस यहाँ पर मुकम्मल जो मशीनें हैं यहाँ पर इस तरीके से मौजूद हैं, यहाँ पर रखी लगा दी गई हैं ताकि यहाँ पर जो अब जो बारिशों का सिलसिला जो कि अभी 5 से 6 दिन तक के जारी रहेगा, तो उसी के लिए यहाँ पर मुकम्मल इंतजाम को मुकम्मल कर लिए गए हैं। मलिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है रियाज अहमद साहब वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, हमने आपकी उनसे भी बात कराई, तो मुकम्मल इसके बाद जो भी अपडेट्स होंगी बारिशों के हवाले से वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और यहाँ के जो इंतजाम है वो मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आप मुझे मलिर डिस्ट्रिक्ट से इजाज़त दें, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।